क्या आप लोग फेसबुक पर वेरीफाइड ब्लू टिक हासिल करना चाहते हैं, ब्लू वेरीफाइड बैज हासिल करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्युइन तरीके से लाइफ टाइम के लिए, तो आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीकाकार बताऊंगा जिस तरीकाकार के थ्रू आप जेन्युइनली तरीके से आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने की सारी टेक्निक्स बताऊंगा कि आप लोगों ने करना कैसे अप्लाई, और सारी की सारी जो उसमें चीजें होती है, लवाजमात होते हैं, वो बताऊंगा। उन सब चीजों को फॉलो करते हुए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फेसबुक की तरफ से ब्लू वेरीफाइड बैज, ब्लू वेरीफाइड टिक जो है वो दे दिया जाएगा, और आपकी प्रोफाइल जो है वो सबसे अलग नजर आना शुरू हो जाएगी, वेरीफाइड नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देख लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉपर में ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीख लेते हैं कि कैसे हम फेसबुक के लिए वेरीफाइड बैज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वेरीफाइड ब्लू टिक हासिल कर सकते हैं। आपको जिस भी फेसबुक पेज पर ब्लू टिक चाहिए, आप जो उस फेस पेज को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। ये मोबाइल के ऊपर भी आप इजीली कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और हेल्प एंड सपोर्ट वाले सेक्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है ब्लू वेरिफिकेशन बैज, ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और रिक्वेस्ट है वेरीफाइड बैज ऑन फेसबुक, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर जब आप आएंगे, यहाँ पर फिल आउट दिस फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आपकी प्रोफाइल है या पेज है। तो मेरा पेज है जिसको मैंने वेरीफाई करवाना है, ब्लू टिक चाहिए मुझे जिसके ऊपर। और यहाँ पर वो कह रहा है कि यू हैव नो एलिजिबल एडमिनिस्ट्रेटेड पेजेस, ठीक है कि इसके ऊपर कोई पेजेस नहीं है, तो प्रोफाइल है, क्योंकि मेरी जो आईडी है ये पेज है लेकिन ये प्रोफाइल पेज में कन्वर्ट है, तो इस वजह से मुझे प्रोफाइल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इंटर प्रोफाइल यूआरएल, तो यस यहाँ पर यूआरएल सेंड करना है, तो मैंने दी उस्मान हैदर, ठीक है इसका मेरा यूआरएल बनता है दी उस्मान हैदर, तो मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, टैक्स फिलिंग, और ये यहाँ पर ये तीन चार ऑप्शन हैं। आप लोगों के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अपलोड कर दें, पासपोर्ट है नहीं तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने सीएनआईसी के फ्रंट और बैक की पिक्चर अपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है कि आप लोगों की कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि मेरी कैटेगरी है डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपनी कैटेगरी के मुताबिक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कंट्री एंड रीजन के ऊपर आप लोगों ने अपनी कंट्री और या रीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑडियंस ऑप्शन, डिस्क्राइब द पीपल हु फॉलो योर पेज एंड प्रोफाइल, यहाँ पर आप लोगों ने आपने डिस्क्राइब कर देना है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं और उनको कौन लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने लिखा है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट जो है वो लोग चेक कर देखते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि आपको मज़ीद किन नामों से लोग जानते हैं या किन लैंग्वेज से जानते हैं, वो सारे डिटेल जो है अदर लैंग्वेजेस में अगर कोई सेम नेम के साथ कोई जानता हो तो वो लिख दें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे टॉपर मी उस्मान हैदर, टॉपर मी ऑफिशियल, इस नामों से लोग जानते हैं, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप जो है अपने जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर पेस्ट करें, तो मैंने जो है यूट्यूब के यहाँ पर लिंक दे दिया। मेरा यूट्यूब ये वाला चैनल जो है वेरीफाइड है, इसके ऊपर जो है वेरीफाइड टिक मिला हुआ है, आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं दी उस्मान हैदर को। और टिकटॉक जो है ये भी है दी उस्मान हैदर के नाम से, उसके बाद इंस्टाग्राम है दी उस्मान हैदर के नाम से। दी उस्मान हैदर के नाम से एक मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो टी फॉर टॉपिक वेबसाइट के ऊपर, वो मैंने दे दिया। उसके बाद पांचवा यहाँ पे लिंक मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सेंड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद ये तकरीबन 24 to 48 आवर्स लेते हैं वेरिफिकेशन में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर जो है आप लोगों को बता देते हैं कि आपका जो ब्लू टिक है ये मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, जो भी रीज़न है वो यहाँ पर आप लोगों को बता दी जाएगी, और उसके बाद उस चीज़ को आप लोग ठीक करके दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ब्लू वेरीफाइड टिक मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर यहाँ पर इस सीन के थ्रू, इस तरीके के थ्रू अगर आपको मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें किसी किस्म के आप लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं देनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है पेड वाला भी तरीकाकार है जो कि बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, उसके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग मंथली बेसिस पे करके अपने प्रोफाइल के ऊपर ब्लू वेरीफाइड टिक
कैसे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो शरीफ लाए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।